यही तो मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं क्यों गलत लोगों के साथ खेलता हूँ? मेरा कॉन्फिडेंस है कि तुम बस चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। आई नो तुम नहीं होगे तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस तुम तैयार हो जाओ कि साहब कुदा दो जहां कुदाना है, और मर गए मास्टर तो सोच लेना। नहीं नहीं मरने नहीं देंगे। मुझे पता है कि पहले फेज में क्या करना है। छोटी किताबें उठाओ यार, छोटी। पहले ये जानो व्हाट इज राज्यसभा, एक्टिवेटेड टू द लोअर लेवल, देन पिकअप लक्ष्मीकांत। तो व्हेन यू विल नो व्हाट इज राज्यसभा एंड देन यू विल रीड लक्ष्मीकांत, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, यू विल डू वैल्यू एडिशन। एंड वंस यू स्टार्टेड एंजॉइंग, नाउ दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, यू पिक्ड अप लक्ष्मीकांत रीड वसु, एंड फॉर 15 डेज यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, व्हाट विल हैपन? You will do all nuisance things here in Pune. You will roam here and there. You will make groups. You will make friends. You will come to the class, no doubt. But you will not study. Because you are not enjoying. ये जो weak mind, अपने मन को मजबूत कर लो बस। ध्यान का मतलब मन को ही मैन बना देना। कि बॉस जो हम चाहेंगे ना, you will not command me. और करो सब कुछ। बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। विश्वामित्र मत बनो। लड़की ने प्रपोज कर दिया, लेट गए, अरे ये हम गरीब आदमी मरो। पर इसका मतलब ये नहीं किसी का प्रपोजल, तुम प्रपोज करो, बड़े बड़े टारगेट बनाओ, कोई बात नहीं है यार। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और कभी भी हो सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विकास भाई डिलीट कर देना, नहीं तो काला पानी सजा हो जाएगी उसे। इसका मतलब ये नहीं आप प्रपोज नहीं करना है। हाँ क्यों, हम तो भैया ध्यान करते हैं, हम लड़की नहीं देखेंगे। नहीं नहीं भैया, मानो मन क्या करना, एक्सट्रीम पे चला जाता है। हम दारू नहीं पियेंगे, पियेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के। फिर कहना से कोई बात माफी नहीं, से कोई पियेंगे मोदी जी के साथ पियेंगे। अरे भैया तुम दारू नहीं पीते? पीते हैं। तो हमारे साथ पियो, तुम भिख मांगे तुम्हारे साथ क्यों पिए? यूएन जाएंगे वहां पियेंगे, सूट पहनेंगे, वाइन लेंगे, फॉरेन डेलीगेट्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज उनके साथ बैठ के पी रहे हैं। तो हम बैंक में क्लर्क हैं, मारा झूला निकाल के इतना। तुम्हें कोई चीज छोड़ना नहीं है, उसकी जगह डिसाइड करनी है। और राजा हो कभी मन करे तो अकेले पी लो, किसी भिखमंगे को अपने साथ मत बैठाओ, नहीं तो भिखमंगे हो जाओगे। दो बैग पी लोगे, सामने वाला बोल देगा कयामत होने वाली है, तुम्हारे मन में चली गई बात। अब वो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि तुमको पता है कयामत हो रही है। किसी भीख मंगे को अपने साथ में बैठा, दो तीन पैक पी लो, मुकुट लगाओ अपने कमरे से निकाल के, तलवार बांधो, म्यूजिक लगाओ, अपनी दोस्त से कहो कि छाता लगा दे ऊपर जी, और शहनशाह चल रहे हैं ऐसे घर में, ऐसे तीन चार राउंड मारो, वीडियो बनाओ। प्रैक्टिस करो फ्यूचर की। तुम डिप्रेस अपने कमरे में बैठे हो, वो भी जवानी में, जवानी में, जैसे बुड्ढे बैठे होते ना कमरे में, सब लड़के बदतमीज है मोहल्ले के, दिन भर शोर करते रहते, और तुम क्या कर रहे थे? यू सी द ओल्ड पीपल इन द सोसाइटी, दे हैव यूज चिल्ड्रंस, दे कीप द आई ऑन द यंग पीपल। औरतें जा रही बन संवर के, ये जा रही लिपस्टिक लगा। कभी आप सोसाइटी में बुजुर्गों के साथ बैठो, आधा घंटा बैठो, देखो बच्चों को गाली देंगे, औरतों को बुराई करेंगे, और आदमी को गाली देंगे। बुजुर्गियत हो तो कलाम साहब जैसी। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर,
जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी नौ नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।